दोस्तों पुराने ज़माने में इनडाइजेशन या बदहजमी का प्रॉब्लम बहुत सिलेक्टेड माइनॉरिटी पेशेंट्स को होता था, या तो वो पेशेंट जिनकी उम्र ज़्यादा है या वो पेशेंट जिनकी लाइफस्टाइल ख़राब है। लेकिन आज के ज़माने में इनडाइजेशन हो चुका है एक बड़ा प्रॉब्लम। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव दिस इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगा कि कैसे इनडाइजेशन या बदहजमी से बचा जा सकता है। जानते हैं आखिर इनडाइजेशन की वजह से पेशेंट्स को किस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। पेट में दर्द होना, पेट में ब्लोटिंग या हैवीनेस का एहसास होना, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होना, कुछ पेशेंट्स को हैलिटोसिस हो सकता है यानी कि मुंह से बदबू आ सकती है, और कुछ लोगों को स्किन की इचिंग भी हो सकती है। एक प्रॉपर फूड डाइजेशन के लिए हमारा हर ऑर्गन का प्रॉपर फंक्शनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो खाते ही जब हमारा फूड मुँह के अंदर जाता है, उसके बाद फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर के साथ साथ सभी ऑर्गन्स का आपस में फंक्शनिंग सही तरीके से होना ज़रूरी होता है। जानेंगे कुछ आसान स्टेप्स के बारे में जिनको अपनाकर हम इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। पहला स्टेप है माइंडफुल ईटिंग। आज के ज़माने में लोग अपने खाने का टाइम इतना कम करते जा रहे हैं, इतना फटाफट ब्रेक में खाते हैं कि एज इफ उन्हें कोई ट्रेन पकड़ना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, फूड के अच्छे डाइजेशन के लिए अच्छे तरीके से खाने को चू करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम खाने को अच्छी तरीके से चबाते हैं, सलाइवा यानी कि हमारा थूक एडिक्वेट क्वांटिटी में रिलीज़ होता है, जो फूड के डाइजेशन में शुरुआती काम करता है। चाहे हम घर पे खाना खाएं या ऑफिस में खाना खाएं, कोशिश करें कि वो ऐसा टाइम हो जब डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरीके से दूर हों। माइंडफुल ईटिंग का आखिर क्या मतलब है? खाना खाते वक्त उस खाने के टेम्परेचर को, उसके टेक्सचर को, उसके टेस्ट को पूरा एंजॉय करते हुए खाएं, उसके स्मेल को एंजॉय करें और टाइम लेके धीरे धीरे खाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉनिटर योर वाटर इनटेक। सभी नॉर्मल लोगों को ये सजेशन दिया जाता है कि आप पूरे दिन भर में कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी का इनटेक रखें। खाने को अगर सही तरीके से डाइजेस्ट होने देना है तो बहुत ज़रूरी है कि खाने के टाइम भी प्रॉपर तरीके से पानी पिया जाए। कोशिश करें कि खाना खाने के जस्ट पहले बहुत ज़्यादा पानी न पिएं, खाना खाते वक्त बिल्कुल भी पानी न पिएं, और खाना खाने के इमीडिएटली बाद पूरी कोशिश करें कि पानी न पीते हुए ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट्स का गैप देकर ही पानी पिएं। अब ये करने का एडवांटेज क्या होता है? जब भी हम खाना खाने के इमीडिएटली बाद पानी नहीं पीते तो हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सही मात्रा में रिलीज होते हैं, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट सही डाइजेशन के थ्रू हमें मिलता है। ठंड के सीज़न में प्यास नहीं लगती, तो कोशिश करें कि अगर पानी नहीं पी सकते तो ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें जिनका वाटर कंटेंट ज़्यादा है। ये लेने से एक बड़ा बेनिफिट डाइजेशन में ये भी मिलता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाता है। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। जिन भी लोगों के लाइफ में स्ट्रेस होता है उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल नामक एक केमिकल एक्स्ट्रा मात्रा में रिलीज होता है। इस केमिकल की वजह से ऐसे पेशेंट्स को स्टमक अल्सर्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इवन IBS जैसी बीमारियां ज़्यादा मात्रा में देखी जाती हैं। मल्टीपल स्टडीज़ ने ये स्ट्रांगली प्रूव किया है कि हमारे गट और ब्रेन का एक बड़ा स्ट्रांग कनेक्शन है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है वो अल्टीमेटली हमारे डाइजेशन को भी अफेक्ट करती है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ ईजी मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि योगा, डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन। और कई बार एज अ डॉक्टर मैं मेरी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि पेशेंट्स अपने डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज से इतने ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं अपनी स्ट्रेस की वजह से कि उन्हें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगली इंपॉर्टेंट स्टेप है गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइबर एंड प्रोबायोटिक्स। फाइबर लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो हमारे इंटेस्टाइन से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से हमारे स्टूल को एक बल्क फॉर्म मिलता है। तो फाइबर फ्रेंड्स हमें कहाँ से मिल सकता है? फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीड्स, होल ग्रेन्स जैसे कि बार्ली, ओट्स एक्सेट्रा। पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा गया है कि दुनिया भर में लोगों का डाइट में फाइबर कंटेंट बहुत कम होता जा रहा है। जब भी हम डाइट में फाइबर कंटेंट एडिक्वेट मात्रा में लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन से तो रिलीफ मिलता है, लेकिन बड़ी बीमारियां जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज या इवन कोलोन कैंसर से भी रियायत मिल सकती है। प्रीबायोटिक्स से आखिर क्या बेनिफिट मिलता है? प्रीबायोटिक्स लेने की वजह से हमारे बॉडी के जो हेल्दी गट बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बैरियर फंक्शन भी इम्प्रूव होता है और काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है।
प्रीबायोटिक्स आखिर हमें कहाँ से मिल सकते हैं? फ्रूट, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स के साथ साथ जो भी फर्मेंटेड फूड होते हैं, जैसे कि दही, ढोकला, इडली या डोसा, ये सभी प्रीबायोटिक्स में रिच होते हैं और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। जब भी हम ऐसा खाना खाते हैं जो बहुत ज़्यादा कैलोरी रिच है, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स हैं, तो ऑब्वियसली इसके वजह से हमारा इनडाइजेशन बढ़ सकता है। उसी के साथ जब भी हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रांस फैट्स या फूड के कुछ अनहेल्दी एडिटिव्स जाते हैं, जो कि अगेन हमारा डाइजेशन सही तरीके से होने नहीं देते। ज्ञान की बात तो हो गई, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के लिए ऐसे प्रोसेस्ड फूड को और अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि वो लोग जो अपने घर से दूर हैं, जो हॉस्टल में रह रहे हैं। ऐसे लोगों को पूरी कोशिश करना चाहिए ऐसी जगह से खाना मंगवाया जाए जो कि घर का बना हो, जिसमें इस तरह के फूड एडिटिव्स और ऑयली स्पाइसेस कम हो। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू गेट मूविंग। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो कि किसी भी टाइम पे दिन के की जाए, चाहे वो मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या नाइट हो, डाइजेशन को असिस्ट करती है। उसी के साथ मैं मेरे मैक्सिमम पेशेंट्स को ये सजेशन देता हूँ कि आप कोशिश करें, आप हर मील के बाद, प्रिफरेबली डिनर के बाद जब आप घर पे होते हैं, कंपल्सरीली थोड़ी वॉक करें। लेकिन क्या ये हो पाता है? होता है कई बार इसका एग्जैक्टली उल्टा। खाना खाते ही मैक्सिमम लोग अपने काउच पे रोल होके लेट जाते हैं या कई बार डायरेक्टली सो जाते हैं, जिसके वजह से इनडाइजेशन को एक बड़ा शेयर मिलता है। तो पूरी कोशिश करिए कि आप आपका खाना खाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप दें और इस गैप में कम से कम 15 से 20 मिनट अवश्य चलें। अगला स्टेप है टू इम्प्लीमेंट लाइफस्टाइल चेंजेस। पूरी कोशिश करें कि अपनी लाइफ से स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल को पूरी तरीके से डिलीट कर दें। टोबैको और अल्कोहल की वजह से डाइजेशन कैसे प्रॉब्लम देता है? इनके इंटेक की वजह से हमारी बॉडी में स्टमक अल्सर फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्पेशली स्मोकिंग की वजह से कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी हो सकती हैं। जहां तक खाने की बात आती है, हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि दिन में एक या दो हैवी मील की जगह पे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ली जाएं। और इस वीडियो के थ्रू एक फर्म रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लेट नाइट मील्स और लेट नाइट स्नैकिंग को हर कीमत पर अवॉइड करें, क्योंकि जब भी हम लेट नाइट मील्स लेते हैं और डायरेक्टली लेट जाते हैं, स्टमक के कंटेंट्स ऊपर फूड पैक में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बर्न, इनडाइजेशन ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ें बताई, ये चीज़ें वो हैं जो एज ओल्ड तरीके से हमारे पेरेंट्स, हमारे सीनियर्स हमेशा हमें बताते रहते हैं, लेकिन बदनसीबी से लाइफ की यही सिंपल चीज़ें बहुत बार इम्प्लीमेंट नहीं की जाती, जिसकी वजह से अननेसेसरी यंग एज में इवन बच्चे भी आजकल इनडाइजेशन का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वीडियो के थ्रू आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप इनडाइजेशन के शिकार हैं तो बताई गई मैक्सिमम टिप्स को फॉलो करने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ और आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने डाइजेशन को मैनेज करना आपके हाथ में है।